सरजमीने सवात में इन दिनों अमन के गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन इन गीतों के पीछे आज भी दहशत और खौफ की परछाइयां रक्स कर रही हैं। क्या पाकिस्तानी कौम महज इत्तेफाकन इस अजाब में मुब्तिला हो गई, या इस सारे खूनी खेल के पीछे कुछ आलमी ताकतों का नादीदा हाथ मुलव्विस है? क्या पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान आर्मी और खुफिया इदारे इस आलमी साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाएंगे? आर्मी ने किसी किस्म की फौजी कार्रवाई नहीं की थी अब तक, और पूरा मौका दिया गया इन लोगों को इस बात का कि आप अपने आप को मेनस्ट्रीम में ले आइए, निजाम यादव ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट कर लीजिए, मगर इन दहशतगर्दों ने किसी किस्म की बात सुनने से इनकार किया, अपने हमले जारी रखे, फसाद जारी रखा। और फिर लोगों को भी सवाद की इनकी असलियत का अंदाजा होना शुरू हो गया, जब ये लोगों के घरों से पैसे उठाने लगे जाके, हत्ता की बेटियां उठाने लगे। एक एक तालिब कमांडर ने वहां पे, तालिबान के कमांडर ने एक एक दिन में तीन तीन शादियां की हैं, जो बच्ची हाथ लगी उठा ली, जिसके घर में गए उसको अगवा कर लिया। फहाशी, बुराई और बदकारी का जो तूफान बरपा किया इन सो कॉल्ड तालिबान ने इस्लाम के नाम पर, सवाद के लोग दहशतजदा हो गए कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हम तो समझे थे कि इस्लामी निजाम नाफिज करने वाले हैं, ये तो इतने पलीत और नापाक लोग निकले कि इनके घरों से, इनके मोर्चों से शराब की बोतलें निकलती थी, इनके पास जो असलाह पहुंच रहा था उसमें इंडियन मार्किंग्स थी, लोगों को सब पता लग गया कि हो क्या रहा है। लेकिन किसी की जरूरत नहीं थी कि इनके खिलाफ बात करता, क्योंकि हजारों सैकड़ों की तादाद में लोगों के गले काट के चौकों पर लटका दिया करते थे। कौन बोलेगा? पुलिस है नहीं, फौज को इजाजत नहीं है, एएनपी की हुकूमत गायब हो चुकी। इस सूरत हाल में जब अमन मुआहदा किया जाता है, निजाम शरीयत ऑर्डिनेंस, इसके बाद खास तौर पर आपको याद होगा वो वक्त जब दो आर्मी ऑफिसर्स, कैप्टन नजम और कैप्टन जुनैद को इन्होंने शहीद किया, दो एसएसजी के ऑफिसर्स को अगवा करके इन्होंने उनको गले काटे, शहीद किया उनको। एंड दैट वाज द मोमेंट कि जब आर्मी ने कहा एनफ, अब इनके खिलाफ फौजी कार्रवाई जरूरी है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने टेलीविजन पर आकर कहा था कि अमन मुआहदा खत्म हो गया है और अब हम फौज को तलब कर रहे हैं। यह पहला मौका था कि सियासी हुकूमत ने फौज को तलब किया था अपनी मदद के लिए। और जब तक के फौज को तलब ना किया जाए, उस वक्त तक फौज को इजाजत नहीं होती कि मुल्क के किसी हिस्से में फौजी कार्रवाई का आगाज हो। और फिर ऑपरेशन राह रास्त का आगाज किया गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि आने वाले दो या तीन महीनों के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने करम किया, पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने अपनी तारीख का, बल्कि साउथ एशिया में इतना बड़ा कमांडो ड्रॉप कभी नहीं किया गया कि 1200 कमांडोज हेलीकॉप्टर्स के जरिए प्योचार की वादी में उतारे गए, जो खास तौर पर गढ़ था इन दहशतगर्दों का, इनके ट्रेनिंग कैंप्स, एक्सप्लोसिव फैक्ट्रीज, गोला बारूद का जखीरा, इनके खुद को हमलावर जैकेट्स बनाने का सारा साजो सामान जिस वादी में था, जहां पे फौज के दाखिले का कोई रास्ता ही नहीं था क्योंकि जमीनी रास्ते इतने तंग थे, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडो ड्रॉप्स किए गए। और फिर पूरी वादी में अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दों का सफाया किया गया। 24 लाख के करीब सवात के लोग अपनी मर्जी से अब बाहर निकलकर आए वादी से। यानी आप नोट करेंगे कि सवात की आबादी ने कहीं पर कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई हंगामा नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की, कोई आर्गुमेंट नहीं की इस बात पर कि हम वादी खाली करें या ना करें। खामोशी से उन्होंने अपने बच्चों को लिया, इज्जतों को सब बचाया और बाहर निकल के आ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि जब तक ये लोग, इन दहशतगर्दों का सफाया नहीं किया जाएगा, जब तक फौज इनका सफाया नहीं करेगी, आइंदा आने वाले वक्तों में सवात के लोगों की इज्जत आबरू जान माल महफूज नहीं होगी। 24 लाख लोग बाहर आए, आर्मी ने इनकी सफाई की दहशतगर्दों की, और फिर उसी खामोशी के साथ ये लोग वापस जाके अपने अपने इलाकों में आबाद भी हो गए, और आज सवात की वादी माशाल्लाह फिर से आबाद हो रही है। राज, क्या हाल है सर? इकबाल, ठीक हो? मेरा नाम हवलदार अब्दुर्रज़ाक है, और हम जब ऑपरेशन में आए हुए हैं, तो उस वक्त जब ऑपरेशन पे जाते थे तो हमारे जो लड़के थे वो 48 घंटे दो दो दिन तकरीबन लगातार लड़ते थे, और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते लड़ते जब थक के आ जाते थे तो हम इधर 3 से 4 घंटे बंदों को रेस्ट देते थे।
रात को रेस्ट करते थे या दिन के टाइम पे जब भी फारिग होते थे रेस्ट करते, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते थे। मुल्क की खातिर आए हुए इधर, तो हमने दहशतगर्दों के सख्त ऑपरेशन किया है और उनको उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमारा उनके ऊपर बहुत ज्यादा काबू हो गया है कि अभी उनका जो नेटवर्क है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और हम इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे इन फ्यूचर सर। हमें जब भी मौका मिलेगा हमें अपने मुल्क के लिए हम अपना खून अपना तन मन सब कुछ बांट देंगे। भाई मोहम्मद अलियास फ्रॉम एमटी पलटून। ये सर हमारा मोर्चा नंबर 3 और इस पर मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। ये सामने का इलाका जो है ना, ये मेरी जिम्मेदारी का इलाका है, इस पर जो भी मसला हो उसको मैंने कवर करना है। यहाँ पर हमारी 2 घंटे ड्यूटी होती है, 2 घंटे बाद नेक्स्ट संतरी आता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट संतरी। 24 घंटे में सिर्फ 3 संतरी होते हैं। दुश्मन आ जाए पहले मैं देखूंगा कि वो वाकई कोई महसूस करूंगा, उसके बाद अगर कोई इस तरह आता भी है उसको शूट कर दूंगा। महसूस करता हूँ कि ये कोई इस तरह है तो सीधा उसके ब्रेस्ट खोल दूंगा उसके ऊपर। सवाल ये है कि साजिशी अनासिर ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए सवात ही का इंतखाब क्यों किया? जब सवात उजड़ गया, गुर्बत बढ़ गई, बच्चों से उनके स्कूल और खेल के मैदान छिन गए, तो दहशतगर्द छोटे बच्चों को कैंपों में ले जाते, उन्हें तरह तरह के खौफ भी दिलाए जाते और लालच भी। इस तरह नापुख्ता जहन के बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जाने लगी। इसमें जो सवात चैप्टर है इनका मिसक्रिएंट्स का, इसमें और बाकी बाजौर और वजिस्तान के जो सोसाइटी उनमें फ़र्क है। इनकी हमने साइको एनालिसिस कराई, जो आप सवाल पूछ रहे हैं हमने इंटरोगेशन हल्की फुल्की की इनके जो ठिकाने वगैरह पूछने के लिए। उसके बाद हमने पाकिस्तान के जो सबसे मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं फरिया प्राचा साहबा, उनको हमने कॉन्टेक्ट किया, वो आई, सब की साइको एनालिसिस हुई। तकरीबन तमाम केसेस में ये बच्चे लो आईक्यू के हैं, पुअर बैकग्राउंड के हैं और इनको जिस तरह मैंने कहा कि फॉल्स मोटिवेशन ये दी जाती थी कि आप अगर खुद को शमला करोगे, ये जो अफवाज है ये मुसलमानों की फौज नहीं है, इस पे हमला करोगे, एफसी पे हमला करोगे, गरीब लोगों पे हमला करोगे जो कि इस शरपसंदों का साथ नहीं दे रहे, तो उसमें आप सीधा जन्नत में जाएंगे और आपके साथ पुश्तें भी बख्शी जाएंगी और नौज़ बिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपको रिसीव कर। ये इनके जहन में कच्चे जहन थे इनके, बिल्कुल मतलब अभी उसमें नहीं थे, दे कुड बी लेवडन, जो कि इन्होंने इसका एडवांटेज लिया है। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत करने वाले सवात के बाशिंदे आज भी वादे पूरे होने के इंतजार में हैं। उन वादों में से एक वादा हुकूमत पाकिस्तान का भी है, जिसने 2 अरब रुपए इमदाद का ऐसा वादा किया जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। पाकिस्तान आर्मी ने यहां मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तंजीमें बनाई हैं जो इस इलाके की हिफाजत भी करती हैं, अवाम में शौर भी उजागर करती हैं आपसे किए जा रहे हैं और बच्चों की तरबियत भी कर रही हैं।